नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो के दौरान जानिए राशि के अनुसार किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र ग्रंथ अग्रिम, जिसके अनुसार कहा जाता है कि ज्योतिष के अनुसार से आप व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में जान सकते हैं। नंबर वन, मेष राशि। मेष राशि का मालिक मंगल है। मंगल को मजबूत करने के लिए शिव जी की उपासना करें। शिव जी का दिन सोमवार का है, सोमवार के दिन आप उनकी उपासना कर सकते हैं। नंबर दो, वृष राशि। वृष राशि का मालिक शुक्रवार है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें। नंबर तीन, मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालिक बुध है, जिस दिन लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। इस दिन अपना दिन अच्छा करना चाहते हो और अपने आप को मजबूत करना चाहते हो तो आप बुध के दिन नारायण जी की उपासना करें। नंबर चार, कर्क राशि। कर्क राशि की ये मालिक चंद्र हैं, जिनकी पत्नी गौरी हैं। वह दया की और शांति का प्रतीक हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो आप चंद्र की उपासना करें। नंबर चार, सिंह राशि। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके मालिक हैं सूर्य। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो आपका ग्रह भी मजबूत होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पाँच, कन्या राशि। अगर आपकी राशि कन्या है तो आप नारायण जी की उपासना करें। नारायण जी की उपासना करते समय आप ध्यान रखें कि उनके भजन भी गाएं। नंबर छः, तुला राशि। तुला राशि के लोग, शुक्र है उनका मालिक। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी और धन धान्य भी रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों का मालिक मंगल है। मंगल के दिन अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपका जीवन भी सुख समृद्धि से ही बीतेगा। साथ, धनुराशि। धनुराशि के मालिक बृहस्पतिवार हैं। बृहस्पतिवार को दक्षिणामूर्ति की आप उपासना करें। दक्षिणामूर्ति धन और बुद्धि की देवी हैं। अगर आप उनकी उपासना करते हैं तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि रहेगी। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के ही अवतार हैं। आठ, मकर राशि। मकर राशि का भी ग्रह मंगल है। इस दिन आप शिव जी की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि हमेशा बनी ही रहेगी। नंबर ग्यारह, कुंभ राशि। कुंभ राशि का भी ग्रह मंगल है। मंगल के राजा शिव जी हैं, उनकी आप उपासना करें और साफ मन से उपासना करें, आपके जीवन में भी सुख समृद्धि धन धान्य बना रहेगा। नंबर बारह, मीन राशि। मीन राशि के भी मालिक बृहस्पतिवार हैं। इस दिन दक्षिणामूर्ति की उपासना की जाती है। अगर आप भी दक्षिणामूर्ति की आराधना और अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में भी सुख समृद्धि हमेशा बनी ही रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।